हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पर एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं और कुछ नए टॉपिक के साथ। आज मैं एक गंभीर बात बताने वाला हूं दोस्तों, और ये एक नई बीमारी आई है जिसका नाम है नोमोफोबिया। ये बहुत ही भयंकर बीमारी है जो बच्चों को में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस बीमारी को दूर करना, इससे क्या कारण है, इसको कैसे ठीक किया जाए, ये सभी बातें बताऊँगा। और इसके बेस्ट इंपॉर्टेंट तीन उपाय मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें बेस्ट एग्जाम के साथ। बीमारी की जो कोरोना वायरस के दौरान नया इजाद हुआ है, ये बीमारी एक ऐसा बीमारी है जो बच्चों के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ये बीमारी है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया का मतलब होता है नो मोबाइल फ़ोन यूजेस। सो इसको वैज्ञानिकों ने इसलिए नाम दिया है कि बच्चे क्या होते हैं कि एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे आजकल के बच्चे पबजी और कुछ अलग अलग तरह के गेम, जैसे फ्री फायर, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसके पीछे वे एडिक्टेड हो जाते हैं। पहले स्टार्टिंग में तो उन्हें लगता है कि थोड़ा सा खेलेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे समय गुजरता है और वो क्या करते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं, और खेलते खेलते इतना ही व्यस्त हो जाते हैं कि रात के 1 बजे, 1.5 बजे, 2 बजे, यहाँ तक कि इवन रात के 3-3, 4-4 बजे तक वे गेम खेलने में लगे रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ ही कुछ ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो बच्चों को बहुत ही परेशान करें, जैसे कि वे सभी कुछ वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। जैसे कि अभी टिकटॉक बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जिसमें कि सभी फेमस होने के लिए से वीडियो बना रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि इन सब चीज़ों से आप लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। और ये नोमोफोबिया जो बीमारी है, ये खास करके बॉयज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वे ऐसा हो जाते हैं फ़ोन से एडिक्टेड कि वे सभी, मतलब बोलो मत कि पबजी और फ्री फायर के लिए लेकर इतना क्रेज़ हो गया है बच्चों के अंदर कि वे सब खेलने में लगे रहते हैं। तो आज ये हम लोग देखेंगे कि इसके लत को कैसे छुड़ाते हैं। इस चीज़ को छुड़ाने का एक उपाय मैं बताने वाला हूँ। इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको एक कहानी दिखाता हूँ। इस कहानी को देख करके आप ज़रूर समझ पाइएगा कि आपको करना क्या है और इससे होने वाला क्या है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को बने रहें, मैं आपको एक वीडियो। किसी शहर में एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहता था। वह अपने बेटे के साथ बहुत ही आनंद से रहता था। उसका 8 साल का बेटा बहुत ही प्यारा था, और वो बिजनेसमैन भी अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। लेकिन उस छोटे से बच्चे को कुछ बुरी आदतें थी जो उसे अच्छा नहीं लगता था। वह बहुत परेशान हो गया था उसे हटाने के लिए, और बहुत चिंता भी करता था। तब वो एक दिन वह अपने गुरुजी के पास जाता है, और गुरुजी के पास जाते ही वह यह पूछता है कि हे मास्टर, हे गुरुजी, आप मुझे बताइए कि मेरे बच्चे में कुछ बैड हैबिट्स हैं, उसे कैसे दूर करें, और वो मेरी बात सुनता नहीं है, इसे लेकर मुझे बहुत ही चिंता होती है, मैं क्या करूं, वो हमेशा कुछ गलत ही करता है, मेरी मदद करें। तो गुरुजी कहते हैं उसे मेरे पास ले आओ। अगले दिन सुबह वह लेकर के उसे बच्चे को अपने गुरुजी के पास जाता है, और गुरुजी के पास जाने पर क्या होता है, जैसे ही बच्चा गुरुजी के पास पहुंचता है, गुरुजी देखकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं चलो हम लोग घूमने चलते हैं, और उसे अपने साथ लेकर के मैदान में और गार्डन में चले जाते हैं। गार्डन में जाने के बाद वो उन्हें एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पौधा दिखाते हैं और कहते हैं ये पौधा उखाड़ कर मुझे ला कर दो। बच्चा जाता है और जा कर के उस पौधे को बहुत ही आसानी से उखाड़ लेता है और ला कर मास्टर को, गुरुजी को दे देता है। गुरुजी बोलते हैं वाह बहुत अच्छे, और इसके बाद वह बहुत खुश होता है। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि वहाँ देखो एक और उससे बड़ा थोड़ा सा पौधा है, उसे उखाड़ कर लाओ मेरे लिए। वह जाता है बच्चा और जा कर के उस पौधे को भी उखाड़ कर ला कर गुरुजी को दे देता है। गुरुजी फिर से उसे शाबाशी देते हैं, चलो अच्छी बात है, तुमने अच्छा किया, अब देखो वहाँ सामने झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों को उखाड़ कर लाओ और मुझे दे दो। थोड़ा मेहनत करता है बच्चा और वो झाड़ियों को उखाड़ कर ले आ देता है। उसके बाद गुरुजी एक बड़े से पेड़ की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि जाओ उस पेड़ को उखाड़ कर मेरे पास लेकर आओ। वह पेड़ को, वह बड़े से पौधे को उखाड़ने में वो बहुत मेहनत करता है और अंत में उखाड़ ही देता है, तो वह पौधा उखड़ जाता है। गुरुजी फिर से कहता है बहुत अच्छे, अच्छा ठीक है, वो देखो एक बड़ा सा वहाँ पर पेड़ है, उस नीम के पेड़ को उखाड़ो और उखाड़ कर मेरे पास ला कर दो। वह बच्चा जाता है और जाकर अपनी जी जान लगाकर बहुत मेहनत करता है, पर वो पेड़ को हिला भी नहीं पाता है, इधर से उधर से अपनी हर कोशिश करता है और लास्ट में वो थक कर हार जाता है। और वो फिर वो वापस आता है मायूस होकर गुरुजी के पास, और गुरुजी से कहता है
कि गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने वो पेड़ उखाड़ने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं उखाड़ पाया, वह बहुत ही मजबूत पेड़ है। तब गुरु जी कहते हैं कि देखो बच्चे, बैड हैबिट्स यानी गलत आदतें भी ऐसी ही होती है। अगर तुम उसे शुरू में यानी कि जब वो छोटा पौधा होता है तब उसे अगर नहीं निकाल दोगे तो वह एक बड़े पेड़ की तरह से तुम्हारे अंदर जड़ कर जाएगा और फिर तुम्हें उसे उखाड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसीलिए अगर कोई बुरी आदत है तो उसे जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करो। और बच्चा यह बात समझ जाता है और वो कहता है ठीक है, मैं अब से अपने गार्जियंस अपने माता पिता का कहना मानूंगा और मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। तो इस तरह से गुरुजी ने उस छोटे से बच्चे को पूरी कहानी बता दी और उसे ये बात समझ में आ गई। तो दोस्तों कि अभी ये जो नोमोफोबिया का बीमारी है इसका कारण ये है कि बच्चों का किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाना, जी हाँ किसी भी प्रति चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाना। और ये होता कैसे है, नोमोफोबिया का मतलब है नो मोबाइल फ़ोन, यानी कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना। तो ये होता नहीं है उनसे, क्यों नहीं होता है, ये एक आदत बन जाती है और ये बैड हैबिट्स धीरे धीरे बहुत विकराल रूप ले लेता है जिसे निकाल पाना, जिसे बंद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करें, तो दोस्तों हमारा माइंड कुछ इस तरह से काम करता है कि जब हम लोग कुछ करने लगते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से एक जगह एकत्रित हो जाता है और वो कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है। और ऐसा अगर हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ के साथ तो वो पूरी तरह से उसी को फोकस करने लगता है। और देखिए फोकस अगर अच्छी चीज़ पे किया जाए तो हमें फ़ायदा देता है, लेकिन अगर गलत चीज़ पर हो जाए तो वो क्या करता है, हमें पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। आजकल के मैक्सिमम बच्चे सभी व्हाट्सअप, पबजी, फ्री फायर बहुत सारा गेम खेलने अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि उनको मेंटल, फिजिकल और इमोशनल कुछ भी पता नहीं चलता है, वे लोग किस गहराई में छुपे जा रहे हैं, वे लोग ऐसे गहराई में डूबे जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें नुकसान ही नुकसान होता है। उनका ब्रेन पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, उनका फोकस सिर्फ एक जगह हो जाता है और वो होता है गेम पर। उठते बैठते सोते पीते खाते हर वक्त वो किसके पीछे पड़ जाते हैं, मोबाइल के पीछे पड़ जाते हैं। और ये मोबाइल के साथ रहने की आदत को ही कहते हैं नोमोफोबिया, ये जो मोबाइल के पीछे। और इस नोमोफोबिया की बीमारी से बचने के मैं 3 ट्रिक बताने वाला हूँ, जी हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला है पावर ऑफ कंसंट्रेट, आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए कि आप करने क्या चाहते हैं। नंबर 2 फोकस, आप अपने काम पर फोकस करें, फ़ोन को छोड़ दें। नंबर 3 बिलीफ, अपने आप को बिलीव करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो कि आप पढ़ाई में टॉप कर सकते हो। अगर आप जॉब सीकर हो तो आप अपने जॉब पर फोकस करो, क्योंकि जब आप फोन के साथ पबजी खेलकर अपना सारा समय व्यर्थ कर देते हो, मान लो अचानक से किसी का अर्जेंट कॉल आ गया तो आप तो अभी खेल में व्यस्त हो क्योंकि आपको सामने वाले को बीट करना है, उसे मारना है, आप कॉल नहीं उठाए। और वो अर्जेंट कॉल अगर आप नहीं उठाए तो आपका कितना नुकसान हो सकता है, सोच कर देखिए, किसी अर्जेंट कॉल की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग अपने इस आदत को छोड़ने के लिए को शुरुआती दौर में थोड़ा तकलीफ होगा, पहले कुछ कोशिश कीजिए 1-2 घंटा छोड़ने का, फिर 1-2 दिन इस तरह से आप फ़ोन का यूज़ इस्तेमाल करना कम करें। जितना कम कीजिएगा उतना ही आप अपने रियल लाइफ को जी सकेंगे। और अगर आप रियल लाइफ को जीना चाहते हैं तो आप अपने वर्चुअल लाइफ से बाहर निकलिए। वर्चुअल लाइफ में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, आप लोगों को क्या मिलेगा वर्चुअल लाइफ में, सिर्फ वही कॉइन्स मिलेंगे, वही गेम खेलने से पॉइंट्स मिलेगा, पर आपको रियल लाइफ में बहुत कुछ मिल सकता है। आप अपने सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो, आप अपने लाइफ में बहुत ऊंचाई तक बढ़ सकते हो। तो आप अपने लाइफ के उस पार्ट पर फोकस कीजिए, आपको उन व्यस्त चीज़ों के पीछे फोकस करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, वह एक वर्चुअल दुनिया है। वर्चुअल दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता है, जो भी लाइफ है वो रियल लाइफ है। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको खुद मेहनत करना होगा, वो किसी और के बदौलत प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही,
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, दिस इज दिलीप साहू साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय।